अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है। पिछले महीने 8 जुलाई को हिंदुस्तान जिंक के चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट में एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की बीमारी के चलते डेथ हो गई थी और मृतक कर्मचारी के परिवार वाले मुआवजे और मृतक आश्रित को नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर प्लांट के गेट के सामने आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही प्लांट के अधिकारियों और अंदर प्लांट में ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश करने से रोका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिंक प्रबंधन की ओर से 3 बार बातचीत के लिए अंदर तो बुलाया, लेकिन वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। न तो वो आश्रित को नौकरी देने के लिए तैयार हैं और न ही आर्थिक मुआवजा देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ के जो हिंदुस्तान जिंक है चंदेरिया प्लांट है, इसके बाहर मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं। एक व्यक्ति की जो यहाँ कर्मचारी है मौत हो गई थी, जिंक की ओर से परिजनों का दावा है कि जिंक की ओर से मुआवजा दिया गया, ना किसी घर में किसी सदस्य को नौकरी दी गई। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं किस तरह का ये मामला है और आप यहाँ कब से बैठे हैं? जी मुझे हम 4 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी कंपनी के द्वारा बोला गया है कि वो सुनवाई हो रही है, तो देखते हैं थोड़ी देर में। किस तरह का विरोध है जो यहाँ देखने को मिल रहा है? बाहर देखने में काफी सारे लोग हैं, कर्मचारी बैठे हैं, अंदर किसी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्यों इतना विरोध? सभी इस चीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आज जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 19 साल इस कंपनी को दिए हैं, आज उसकी मौत पर हमें क्यों ये मोताना परंपरा चलानी पड़ रही है? अगर किसी व्यक्ति को कंपनी में कार्य करते वक्त तबियत खराब हुई है तो कंपनी को उसको जुर्माना, उसको हर्जाना देना पड़ेगा और परिवार के एक आश्रित व्यक्ति को नौकरी देनी पड़ेगी। ये कंपनी का फर्ज है, उसको निभाना पड़ेगा। ये आज से नहीं, काफी पुराने जब यहाँ हम बैठे हैं हड़ताल कर रहे हैं, लगभग कंपनी के सब लोगों ने हमारा समर्थन किया और ऐसा सुनने में आया है कि काफी लोग ऐसे पहले भी है जिनको ऐसा वादा किया जा चुका है लेकिन कुछ मिला नहीं। आज भी 4-5 बार वार्ता के लिए अंदर बुलाया जा चुका है लेकिन वार्ता का कोई परिणाम अभी तक निकला नहीं है। वाहनों को रोक रखा है, क्या क्या यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं? 4 बजे से बैठे हुए हैं करीबन, और यहाँ की जो लेबर है वो भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है और लेबर भी यहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं। हमारा केवल एक ही मांग थी कि भी हमारे को मुआवजा और जो सर में जिसकी डेथ हुई थी सरवन सिंह जी, उनके लड़के को नौकरी मिले और एक मुआवजा मिले, इसके अलावा कुछ नहीं था। और इससे पहले हमने करीबन 10 से 15 दिन के बीच में हम 3 से 4 बार आए कंपनी से और एडीएम जो मैनेजर साहब ने से बात भी हुई थी, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट ही मना कर दिया था कि भी नहीं तो नौकरी मिलेगी।